हेलो डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू जैसे आप सब जानते हैं वी आर गोइंग थ्रू पैनडाम पैंडमिक स्टेट एंड डू नॉट हैव एनी आइडिया हाउ टू स्किप इट द प्रेजेंट स्टेट यू हैज सीज एनी पॉसिबिलिटी फॉर द लाइव इंटरेक्शन अ क्लास रूम सो विल हैव टू यूज़ अनदर लेवल दैट टेक्नोलॉजी फॉर द एजुकेशनल परपज और इंटरेक्शन इज कॉल्ड ऑनलाइन क्लासेस आई एम योर केमिस्ट्री टीचर अदनान खान एंड to topic organic ऑर्गेनिक केमिस्ट्री of ऑफ halides the फर्स्ट पेज method नंबर वन <clears throat> जब भी हमने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली तैयार करनी होती है तो ऑफकोर्स हम उसको दूसरे कंपाउंड से तैयार करते हैं अल्लाह पाक ने तमाम कंपाउंड्स में एनर्जी स्टेबिलिटी एक जैसी रखी नहीं होती हर एक के अंदर एनर्जी कंटेंट अलग अलग है तो हमें जो भी फैमिली तैयार करनी होती है हम किसी और फैमिली से उसको तैयार करने की कोशिश करते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस। मैं कुछ नाम लेता हूँ आप इनको पहले से जानते हैं सुई गैस जिसे नेचुरल गैस भी कहते हैं गैसोलीन, कैरोसन ऑयल मिट्टी का तेल ये सब नाम जो आप सुन रहे हैं असल में ये कंपाउंड्स हैं अल्कि फैमिली के अल्केन्स जिन्हें हम सिंपली हाइड्रोकार्बन कहते हैं सैचुरेट हाइड्रोकार्बन ये अंडर नॉर्मल कंडीशन तो रिएक्शन नहीं करते अगर हम इन्हें कहें कि आप एक नई फैमिली में चले जाएं तो ये खुद से तो नहीं जाएंगे और इस वक्त हम जिस फैमिली को तैयार करने की बात कर रहे हैं वो है अल्काइल हेलाइट्स वहाँ तो हाइड्रोकार्बन में हेलोजन को लगाना है जिसको जनरल फार्मूला आर एक्स से ज़ाहिर करते हैं लेकिन अगर हम कुछ सर्टन कंडीशन यूज़ करें तो फिर हम अल्केन्स को मजबूर कर सकते हैं अल्काइलाइड में लेके जाने के लिए यहाँ एक रिएक्शन आपको नज़र आ रहा है जिसको मैं रेड इंडिकेशन बता रहा हूँ मीथेन का रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरीन के साथ और आगे आप देखते हैं सी एच थ्री सी एल सी एच टू सी एल टू डाई डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इसमें हो क्या रहा है कि कार्बन के साथ लगा हुआ एच रिप्लेस हो रहा है क्लोरीन से ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं सब रिएक्शन तबादला तो हो जाना किसी एक एटम का किसी पहले से मौजूद एटम को रिप्लेस कर जाना अब ये ऐसे ही नहीं हुआ ऊपर सनलाइट जैसे दिखाई जा रही है कंडीशन में फोटॉन्स हैं यूवी लाइट है या फिर टेम्परेचर 400 डिग्री कंडीशंस क्यों कंडीशंस किस लिए एक तो आप जिस फैमिली को टेकअप कर रहे हो जिससे आप कह रहे हो कि आपने नई फैमिली में जाना है वो अल्केन्स हैं दूसरा क्लोरीन को डिसोसिएट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है अब आगे हमें वैरायटी ऑफ डिफरेंट पोली हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स मिले हैं और ये सारे सब्सिट्यूशन रिएक्शन हैं बहरल हमें सी एच थ्री सी एल मिथाइल क्लोराइड जिसे हम अलका हल्इट फैमिली से कहते हैं ये तैयार हुआ है अब इस रिएक्शन का डिसडवाटेज क्या होगा लोग इसे क्यों पसंद नहीं करेंगे देखें जहां एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन जाएं जिन्हें हम बाय प्रोडक्ट्स कहते हैं इनको रिमूव करना आसान नहीं होता फिर हमें फिर क्रिसलाइजेशन डिस्टिलेशन और फ़र्दर टेक्निक यूज़ करनी पड़ेंगे मिसाल के तौर पर आप देखें शरबत में जामश्री लेमन चीनी पानी चार चीज़ें हैं और आपको कहा जाए इन सबको सेपरेट करना है तो ये एक टफ वर्क होगा इसी तरह यहाँ भी जो चार कंपाउंड आपको ऊपर नजर आ रहे हैं अगर इनको सेपरेट करने का कहा जाए तो ये सेपरेट ना होंगे तो नॉट ईजी टू रिमूव डिफरेंट प्रोडक्ट्स तो लोग कहेंगे हमें तो अपनी एक फैमिली तैयार करनी थी जो मिल गई लेकिन इसके साथ इसको कैसे रिमूव करें अगर हम चाहते हैं कि हम इस रिएक्शन के अंदर अपनी कंसर्न फैमिली अलकालेट को ही अचीव करें तो इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं अल्केन्स की कंसरेशन ज़्यादा रखें ताकि अफेक्टिव क्लोजेंस उन्हीं की हों और हमें रिक्वायर्ड वन प्रोडक्ट ज़्यादा मिले और एक और भी कर सकते हैं हेलोजेंस जैसे क्लोरीन या बरोमीन उनको कम रखें अब लास्ट में आपने इस मेथड में टाइटल देना है हमने किस फैमिली को यूज़ किया बनाने के लिए अलकालाइट्स वो है अल्केन्स उसके साथ क्या किया उसमें हमने तबादला उसमें हमने सब्सटीशन करवाई हेलोजन की तो नाम बना हैलोजिनेशन क्योंकि फैमिली अल्केन्स को हमने इंगेज किया उसे मर्डर किया उसे कत्ल किया उसे चेंज किया तो टाइटल बनेगा इस रिएक्शन का हेलोजिनेशन ऑफ अल्केस सेकेंड मेथड सबसे पहले हमें ये जानना है एडिशन रिएक्शन क्या होता है केमिस्ट्री में आमतौर पर वो कंपाउंड जो अनसेचुरेटेड है जो जिनके सारे बॉन्ड सिग्मा नहीं है जिनमें पाई बॉन्ड है जैसे यहाँ दिखाया जा रहा है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अब दोनों कार्बन एक एक और बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बना चाहते हैं एट द कॉस्ट ऑफ पाई बॉन्ड they want to be sp3 hybridized now they are sp2 so both carbon are, are involved in bond formation not only one in previous case there was substitution but in that case both carbon can involve with the, uh, with the reagent both can form bonds that type of reaction in which both carbon are involved इन द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड एंड आर अनसेचुरेटेड दैट टाइप ऑफ रिएशन आर अडिशन रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल अब इस एडिशन रिएक्शन से हमें कैसे हासिल होगा अल्कालाइट ब्लॉक में इक्वेशन देखें इथीन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन करवा रहे हैं एच बी आर एच बी आर हाइड्रोजन बरोमाइड हैलोजन एसेट ब्रोमो इथेन बन जाता है इस तरह आपने एक फैमिली जो कि अल्किन्स की फैमिली थी जिसका मेम्बर था इथेन आपने उसे कन्वर्ट कर लिया है इथा इथाइल ब्रोमाइड इथेन में इसी तरह नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रोपीन रिएक्ट विद एच बी आर टू फॉर्म टू ब्रोमो प्रोपेन दोनों इक्वेशंस ये बता रही हैं कि एक फैमिली जा रही है दूसरी फैमिली आ रही है जो फैमिली जा रही है वो अल्कीनस और जो फैमिली आ रही है वो अल्काइल हेलाइट्स दैट इज हाउ वी कैन कन्वर्ट अल्कीन फैमिली इंटू अल्काइल हेलाइट अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ऊपर वाली दो इक्वेशंस में जो पहली एग्जाम्पल है उसमें सिमेट्रिकल अल्कीन है लेकिन सेकेंड वाली में अनसिमेट्रिकल है तो यहाँ रूल लगेगा मार्क रूल अब मार्क रूल के मुताबिक जो एडिंग मालिक्यूल का नेगेटिव पार्ट है उसको उस कार्बन के पास जाना है जिसके पास एच कम हो अच्छा अब मैं ये जो सर्कल कर रहा हूँ आप देखें इस कार्बन के पास एक एच है और एडिंग मालिक्यूल एच बी आर है इसका जो नेगेटिव पार्ट ब्रोमीन है वो जाएगा दरमियान वाले कार्बन के पास तभी बनेगा टू ब्रोमो प्रोपेन ऐसा क्यों हुआ ऐसा नीचे मैकेनिज्म में दिखाया जा रहा है कि सेंटर वाला कार्बन स्केंड्री कार्बन है और वो सेकेंडरी कार्बन जैसे कार्बोनियम आइन कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है तो उसे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है दोनों मिथाइल ग्रुप से ड्यू टू तो इंडक्टिव इफेक्ट इसलिए ब्रोमाइड एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे आना चाहता है जो ज़्यादा स्टेबल हो इसलिए हमें ज़्यादा मोस्ट मेजर प्रोडक्ट ये मिलता है इसके अलावा अगर कोई इस रूल को फॉलो नहीं करवाना चाहता और एंटी मार्कोव मार्कोवनी कॉफ रूल की तरफ जाना चाहता है तो वो परऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकता है लास्ट में आप मुझे ये बताएंगे इसका टाइटल क्या रखें जिस फैमिली को हमने ख़त्म किया यूज़ किया अपने मकसद के लिए वो अल्कीन यूज़ कैसे किया हमने उसको उसके सामने रखे हेलोजन एसिड जैसे एच जैसे एच तो अब ये तबादला नहीं है ये सब्सटीट्यूशन नहीं है ये एडिशन है तो नाम बनेगा एडिशन ऑफ हेलोजन एसड टू अल्किन्स मेथड नंबर थ्री एक और बड़ी फेमस क्लास है परफ्यूम्स में है फ्रूट्स में है हर जगह अल्कोहल्स अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला आर ओ एच आर स्टैंड फॉर अल्काइल ग्रुप ओ एच आ फंक्शन ग्रुप इसमें जो डिसीजन मेकर है जिसने फैसला करना है वो ग्रुप तो है ओ oh. एच लेकिन अगर हम देखें हम करना क्या चाह रहे हैं हम चाह रहे हैं कि आर अपनी जगह पे रहे और ओ एच जगह चेंज कर जाए या इसे कोई ले जाए इसको यहाँ से निकाल के वहाँ एक्स लग जाए सिंपली इफ वी कैन रिप्लेस ओ एच विद एक्स देन वी कैन मूव फ्रॉम द फैमिली अल्कोहल्स इन टू अल्कालाइट्स इसके लिए क्या करें किस को भेजें जो ये काम कर सके क्योंकि आपने इंट्री करवानी है हेलोजन की तो इसके लिए प्रॉपर एक रियजेंट है हेलोजन एसेट एच आई एच बी आर एच सी एल एच आई की क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा और एच सी एल लेस रिएक्टिव होगा अब आपने यहाँ इस इक्वेशन को देखें इस इक्वेशन में अल्कोहल इस वक्त है इथाइल अल्कोहल मेड टू रिएक्ट विद एच बी आर ओ एच ग्रुप अब आगे नहीं है उसकी जगह पे बी आर है इट मीन्स रिप्लेस कर दिया गया है ओ OH एच को बी आर से आगे कंपाउंड बन रहा है इथाइल ब्रोमाइड इथाइल ब्रोमाइड ब्रोमो इथेन ये मेंबर है अल्काइट्स का तो पुरानी फैमिली जा चुकी है नई फैमिली आ चुकी है अब हम अगर एच को यूज़ करते हैं तो ये बनाएगा अल्काइल बरोमाइड्स और अगर हम एच को यूज़ करते हैं तो ये बनाएगा अल्काइल आयोडाइड्स ये दोनों तो रिएक्टिव रिएजेंट्स हैं लेकिन अगर हम एच को यूज़ करते हैं तो रिएक्शन करवाने के लिए हमें जिंक क्लोराइड को एज़ ए कैटिस यूज़ करना पड़ेगा अब सवाल यहाँ पैदा होगा इसके लिए क्यों ये इसके बगैर रिएक्शन क्यों नहीं कर सकता जब हमने किसी से कोई बात मनवानी हो तो हम ऐसे किसी इंसान को साथ लेकर जाते हैं जिसकी वहाँ कदर हो और वो उसको बात के लिए कन्विंस कर सके लिटरली आप अल्कोहल को यहाँ ये कह रहे हो कि अपना ओ एच निकाल दो हमने यहाँ हेलोजन को ला के रखना है तो ओ एच इस बात के लिए जल्दी नहीं मानता जिंक क्लोराइड उसके निकलने को आसान करता है और एच का काम आसान करके सी को आगे भेजता है इसलिए इसका वहाँ जाना ज़रूरी है नीचे लिखा भी है जिंक क्लोराइड मेक इट ईजी फॉर द रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप ओ एच अच्छा अब आप टाइटल को देखें टाइटल क्या बनेगा मैंने किस फैमिली को यूज़ किया अपने मकसद अपने ऑब्जेक्टिव के लिए अल्कोहल को फिर मैंने उस अल्कोहल को ट्रीट किससे करवाया हेलोजन एसिड से तो सिंपल है एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड ऑन अल्कोहल्स मैथड नंबर फोर स्टूडेंट्स आपको पता है केमिस्ट्री में एजेंट चलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट इसी तरह कुछ ना कुछ हेलोजनेटिंग एजेंट भी तो होते होंगे एसोसीएल टू थायोनाइल क्लोराइड ये सल्फर की वजह से कहा जा रहा है थायोनाइल अगर कार्बन होता तो कार्बोनाइल अगर हम फैमिली वही रखें जिसको हम ट्रीट करते आ रहे हैं अल्कोहल और इसके सामने एस ओ सी एल टू क्लोराइड को ट्रीट करवा दें ये ये देखें तो ये बिल्कुल हमारा काम आसान करके हमें आर ओ एच ओ एच को हटा के आर सी एल दे देता है और अगर मैं आर की जगह पे ग्रुप लगा दूं इथाइल 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 अल्कोहल तो हमें आगे मिलता है इथाइल क्लोराइड फैमिली चेंज आवर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हैज़ ऑपटेन्ड वी हैव मूव फ्रॉम वन फैमिली टू तो अनदर फैमिली अब ये इस रिएक्शन की कंडीशन में कहा जाता है पायराडीन तो लाजमी हो अब पायराडीन एक नाइट्रोजीनियस बेस है वो करेगा ये आगे बन रहे हैं तीन प्रोडक्ट एक तो हमारी फैमिली हो गई दूसरा एसओ टू तीसरा एच सी एल एच सी एल पायराडीन बेस तो पायराडीन तो बनने वाले एच सी एल को वैसे ही अब्जॉर्ब कर लेगा एसो टू वैसे ही निकल जाएगा क्योंकि गैस स्टेट में है। तो आपको आपका प्योर कंपाउंड प्योर फैमिली प्योर मेम्बर मिल जाएगा इसीलिए लोग इसको फेवरेट रिएक्शन मानते हैं क्योंकि इसमें एक तो ना वो सकेंडरी ना वो ट्रशरी ना रीअरेंजमेंट है आपको पता है क्या बनने जा रहा है ना इसमें एलिमिनेशन है बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं वो गैसेस हैं वो स्केप कर जाते हैं हमें तो किसी भी किस्म की सेपरेशन की फर्दर कोई ज़रूरत नहीं रहती इसलिए लोग इसको पसंद करते हैं कि ईजिली हम एक फैमिली से दूसरी फैमिली में विदाउट एनी प्रॉब्लम स्विच कर जाते हैं इसका टाइटल किस फैमिली को मारा किस फैमिली को कत्ल किया अल्कोहल्स कि, को किससे किया एसोसियल टू से वो क्या करने आया था सिर्फ क्लोरीन देने एक एजेंट था और एक फैमिली को दूसरी फैमिली में कन्वर्ट कर गया आई होप यू विल अंडरस्टैंड अगर कोई प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह फिर हाज़िर आऊँगा नए लेक्चर्स टिल देन अल्लाह